بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ये एक आयत करीमा है जो आज पढ़ी गई है रमजान शरीफ के रोजों के दरमियान में। जिस रुकू में रमजान शरीफ के रोजों का बयान आया है उसके दरमियान में ये आयत शरीफ आई है। इस आयत शरीफा के ताल्लुक से आयत शरीफा दुआ से मुताल्लिक तफसील अर्ज करूंगा। इजमालन ये है कि आयत शरीफा दुआ से मुताल्लिक है और इसकी मुनासिबत से दो मसले भी बयान करने हैं। पहला मसला तो ये है कि आम तौर पर कोई एक्सेप्शन नहीं, और क्या हो तो एक दो का एक्सेप्शन कर लो, वो ये है कि हमारे मुसाफे सब बेमाना हो गए। जब मुसाफे करते हैं बेकार हो गए, मुसाफे कोई हासिल नहीं होता। इसलिए कि मुसाफे के साथ जो दुआ है उस दुआ को तो कोई जानता ही नहीं और कोई करता ही नहीं, तो मुसाफे करने से क्या फायदा। बहुत अहम बात बता रहा हूँ, समझो अपने मुसाफों को कारामद बनाओ और कोई फायदा उसका हो, ये तो सिर्फ हाथ मिला न रह गया है, हासिल उसका कुछ नहीं। दो हदीस सुनो बल्कि तीन हदीस सुनो। हदीस शरीफ की छह अहम किताबें समझी जाती हैं जो सिहा सित्ता कहलाती हैं, यानी हदीस शरीफ की छह सही किताब। फिर उन छह में चार अहम है, बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिजी और अबू दाऊद। इसके बाद से किताबों के दर्जे हैं। पहला दर्जा है बुखारी के लिए, फिर वैसी ही दूसरे नंबर की सही मिलकर सही है बुखारी मुस्लिम दो होती, फिर चार का दर्जा आता है बुखारी मुस्लिम तिर्मिजी अबू दाऊद, फिर उनके साथ दो मिलती हैं और हदीस की छह सही किताबें कहलाती हैं। फिर आगे सिलसिला ये चार किताबें हैं, उनमें अबू दाऊद शरीफ में रिवायत है, अबू दाऊद शरीफ के आखिर में किताबुल अदब है और किताबुल अदब में बाबुल मुसाफहा है, उसमें ये रिवायत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि दुरूद शरीफ पढ़ो। दुरूद शरीफ भी अगर हुजूर का नाम लेकर न पढ़े तो फिर फायदा क्या, मंजिल नहीं। जब जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम पाक आए तो दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, हल्के से चेहरे थोड़े से जोर से ताकि दाएं बाएं बैठा हुआ सो रहा है उसकी भी आंख खुल जाए। ये आइंदा हमेशा इसका ख्याल रखना कि इसी से रहमतें नाजिल होती है। हदीस शरीफ में है हुजूर ने फरमाया कि मुझ पर एक दुरूद भेजोगे तो अल्लाह ताला तुम पर दस दुरूदे भेजेंगे। दुरूदे क्या है? रहमत खास था। तो अगर हुजूर पर एक दुरूद भेजोगे, एक सलात भेजोगे, एक रहमत खासा भेजोगे तो अल्लाह ताला दस रहमत खासा तुम पर नाजिल करेंगे। तो हम हुजूर पर दुरूद भेजेंगे तो ही तो अल्लाह की रहमत आएंगी, इसलिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आइंदा हमेशा बगैर कहे कि जब जब मजलिस में नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी आए तो हर मरतबा दुरूद पढ़ना चाहिए और हल्के से जहर ताकि सब दुरूद रब्बी है उनको भी एहसास हो जाए, वो भी भूल जाए, तुमको भी याद आए। तो अबू दाऊद शरीफ में किताबुल अदब में बाबुल मुसाफहा है, उसमें ये हदीस शरीफ है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दो मुसलमान मिलते हैं और एक दूसरे से मुसाफहा करते हैं तो अल्लाह ताला
ताला उन दोनों की दुआ में हाजिर होते हैं। थोड़ी गलती हो रही है, ये हदीस शरीफ तो मुझे नंबर 2 बयान करनी है, मुस्नद अहमद की। ये हदीस नंबर 2 मुझे बयान करनी है, थोड़े कंफ्यूज हो गए। अबू दाऊद शरीफ से यह हदीस है, जिस बात का मैंने हवाला दिया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब दो मुसलमान मिलते हैं और एक दूसरे से मुसाफा करते हैं, और हमें दा तकनिया है, आप हजरात अरबी के कायदों से ज्यादा वाकिफ नहीं है, जो उलमा है वो समझेंगे, हमें दा तकनिया और हमें दल्लाह वस्तगफराहू, बस दोनों अल्लाह की तारीफ करें और दोनों अल्लाह ताला से बख्शिश चाहें, तो उन दोनों की बख्शिश कर दी। आज हम मुसाफे करते हैं, न हम अल्लाह ताला की कोई तारीफ करें, न हम अल्लाह ताला से कोई बख्शिश चाहते हैं, हाथ से हाथ मिलाते हैं, जिस्म से जिस्म मिलाते हैं, इससे आगे तो कुछ अल्लाह से जाते ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा पूछते हैं मेरा दिल कम छो या आप लोग पूछते हैं, अल्लाह की तो कोई तारीफ नहीं है, ना अल्लाह ताला से कोई गुनाहों की बख्शिश चाही गई, तो जब अल्लाह से बख्शिश चाही ही नहीं गई तो बख्शिश कहां हो जाएगी, मांगे बगैर तो माफी नहीं देती, तो अल्लाह से मांगोगे जब भी तो अल्लाह ताला देंगे। हदीस शरीफ के ही अल्फाज हैं, फहमे दा फहमे दरुआह वस्तगफराहू इल्ला गुफिरा लहुमा, दोनों अल्लाह ताला की तारीफ करें और दोनों अल्लाह ताला से बख्शिश चाहें तो उन दोनों की बख्शिश की जाए। दूसरी हदीस शरीफ है मुस्नद अहमद में, इमाम अहमद इब्न हम्बल अलैहि रहमा, जो 4 इमाम में से एक इमाम हैं, उनकी हदीस शरीफ की किताब है मुस्नद अहमद, उसमें ये हदीस शरीफ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब दो मुसलमान इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं और एक दूसरे से मुसाफा करते हैं, तो अल्लाह ताला उन दोनों की दुआ में हाजिर होते हैं। तो कोई दुआ होगी तभी तो उसमें अल्लाह पाक हाजिर होंगे, हमारी मुहारे मुसाब में कोई दुआ ही नहीं तो अल्लाह पाक कहां हाजिर होंगे। अल्लाह पाक का हाजिर होना क्या है? अल्लाह पाक का हाजिर होना अल्लाह ताला का उस दुआ को कबूल करना, अल्लाह ताला का उस दुआ को पसंद करना है। अभी जिस चीज को पसंद करता है वहां पहुंचता है। आज हमारे मुसाफों में मेरे भाई दुआ ही नहीं रही, अल्लाह पाक कहां हाजिर होंगे। ये मुस्नद अहमद में हदीस है, और सभी रहमतुल्लाह अलैह ने मजमू ज़वाइद व मंबउल फवाइद की 8वीं जिल्द में किताबुल अदब में बाबुल मुसाफहा वल मुआनका में इस हदीस शरीफ के बारे में लिखा है कि रिजालुहु रिजालु सही, इसके सनद के तमाम रावी बुखारी मुस्लिम के रावी, इल्ला फुलानुन व हुवा सिकतुन, एक रावी ऐसा है जो बुखारी मुस्लिम का नहीं है, रोवी सिका, यानी हदीस आला दर्जे की सही रिवायत है। ये 2 सही रिवायतें हैं जिनसे ये मालूम क्या हो रहा है, एक के साथ दुआ है। तीसरी रिवायत सुनो, मुस्नद अहमद में रिवायत है हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि जब तक सलाम नहीं कर लेते थे मुसाफा नहीं करते। तीसरी रिवायत है मुस्नद अहमद में हजरत अनस की रिवायत है कि हुजूर का मामूल पहले सलाम करने का था फिर मुसाफा करने का। मुसाफिरी की क्या दुआ है? इन हदीसों से मुसाफिरी की दुआ निकलती है, यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह मेरी बख्शिश करें और आपकी बख्शिश करें। अल्लाह जुबान पर चढ़ जाएंगे, आदत पड़ जाएगी, ज्यादा दुआ याद करो, यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम, यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम,
يغفر الله لنا ولكم. ये दुआ है मुसाफिर की, इसे याद करो और याद करके ख्याल रख करके मुसाफों में शुरू करो, हफ्ते के बाद आदत पड़ जाएगी और ऐसी आदत पड़ जाएगी कि तुम इसको तवज्जो करने की जरूरत नहीं, बगैर तवज्जो के दुआ निकलेगी। अस्सलाम वालेकुम का जवाब दे अस्सलाम वालेकुम। अब मसाइल समझे, तरीका ये है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिले तो तहिया, तहिया के मायने हैं जिंदा रहने की दुआ। अस्सलाम वालेकुम, तुम पर सलामती हो, इन तमाम आफतों से तुम बचे, जिंदा सलामत हो। उसके जवाब में वो कहेगा वालेकुम सलाम, और तुम पर भी सलामती हो। जो दुआ इसने उसको दी वही दुआ वो उसके रिटर्न कर, इसमें ये दावा करो सुभान अल्लाह, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, व रहमतुल्लाह बढ़ा दो अल्हम्दुलिल्लाह। जवाब ने भी वो रहमतुल्लाह बढ़ाएगा न बढ़ाए कोई जरूरी नहीं, बाकी बढ़ाना चाहिए। और अगर कोई रहमतुल्लाह के बाद में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, वो बरकातुहू बढ़ा दे, जितना गुड़ डालोगे इतना मीठा हो, उसके जवाब में भी इसी को लौटाना है। वो पूरा न लौटाए वालेकुम सलाम इतना ही कह दे तो भी बात, लेकिन जितना इसने सलाम किया है इतना उसे लौटाना चाहिए। आदमी ने सलाम किया अस्सलाम वालेकुम, जवाब देने वाला कहता है वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, उसने जवाब में बढ़ा दिया माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत अच्छा। सलाम करने वाला जितना कहे उसमें कमी करे बुरी बात क्या ही है, मगर कमी तो करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन सलाम करने वाले ने जितने लफ्जों से सलाम किया है जवाब देने वाला उसमें इजाफा करे अल्हम्दुलिल्लाह सुभानअल्लाह माशाअल्लाह, इजाफा करना चाहिए। ये तहिया तो हर मुसलमान के साथ क्या है, आप उसे पहचानते हो या ना पहचानते, इतना जानना जरूरी है कि सामने जो आ रहा है ये मुसलमान है, उसको ये सलाम करना चाहिए। और ये सलाम जाहिर है जोर से करेंगे वो सुनेगा तब वो जवाब देगा, तो सलाम जहरन है जोर से करना है, और जब हम सलाम करेंगे तो उसका वो जवाब देगा वो भी जहरन देगा। ये सलाम भी सुनाना जरूरी है उसका जवाब भी सुनाना जरूरी है। फिर अगर आपकी मारिफत ज्यादा है एहतियान ज्यादा है तो फिर इसका अगला मर्तबा अगला दर्जा है अब मुसाफहा की। सबसे पहले तो सलाम किए, पहचान पहचान है उसको भी पहले तो सलाम करना है। हजरत अनस की वो रिवायत कि हुजूर का मामूल ये था कि जब तक सलाम नहीं कर लेते थे मुसाफा नहीं करते, तो अगर आपको किसी से मुसाफा करना है तब भी पहले सलाम करना, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, अब हाथ बढ़कर मुसाफा कीजिए और मुसाफे के साथ आप पढ़िए यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम, तो आपकी ये दुआ सुनकर वो भी उसके जवाब में यही दुआ आपको दे। आपने ये दुआ उसे दी अल्लाह मेरी बख्शिश करें आपकी बख्शिश, वो भी आपको यही जवाब देगा अल्लाह मेरी बख्शिश करें आपकी बख्शिश करें। ये दोनों एक दूसरे को दुआ देंगे, कब देंगे, मैं जहरन हल्की सी दुआ करूंगा सामने वाला सुनेगा तो ही जवाब देगा, और उसका जवाब मैं सुनूंगा तो ही तो मुझे खुशी होगी। लिहाजा ये दुआ दिल दिल में नहीं, जैसे सलाम एक दूसरे को सुनाना है तो ये दुआ भी एक दूसरे को सुनानी है। फिर आप पूछेंगे कई पहाड़े आओ युवा, वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। देखो अब देखो अल्लाह की तारीफ आई, वो हदीस में आया था कि दोनों अल्लाह की तारीफ करें और अल्लाह से गुनाहों की बख्शीश जाने, तो तारीफ पहले है, फिर जब मिजाज पूछी हो उस वक्त अल्लाह की तारीफ करनी है। कई बहाल कैसी तरीके अल्हम्दुलिल्लाह, अब वो उससे पूछेगा आप कैसे,
है, अल्हम्दुलिल्लाह है ये, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आया है। अगर हॉस्पिटल में दवा लेने जा रहा है उसे भी यही कहना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फर्ज, अल्लाह की तारीफ हर हाल में करनी, इंसान की मोमिन जिस हाल में भी अल्लाह की तारीफ करनी, अल्लाह का शिकवा नहीं करना। अल्लाह ने जिस हाल में रखा वो काबिल तारीफ है, उससे बड़ी मुसीबत में अल्लाह फंसा नहीं मुंतला करने का लोग, लिहाजा इस्तिग़फ़ार करना है और फिर उसके साथ अगर जब मिजाज पूछती हो तो अल्लाह ताला की तारीफ करनी। फिर अगर मारिफत और ज्यादा है और मुसाफिर है कि आगे आप मुआनका करना चाहते तो ये जमा नहीं होंगी, जैसे सलाम और मुसाफा, मुसाफिर से पहले भी सलाम है, सलाम वालेकुम मुसाफिर मुसाफा, लेकिन अगर आप मुआनका करना चाहते तो मुसाफा नहीं करेंगे, ये उससे हाई डिग्री है, ये मुसाफिर का बदल है, मुसाफिर में हाथ हाथ से मिला है और मुआनिते में गर्दन गर्दन से मिलाते हैं, गर्दन तो और करीब हो गए, लिहाजा मुसाफा भी और मुआनका भी ये दो जमानी होंगे, अल्टरनेटिव है, या तो मुसाफा करके निमटा दो और अगर मुआनका करना है तो मुसाफा नहीं हम मुआनका करो, और मुआनका कर मुसाफा आप अल्लाह तभी नहीं जानते, किताब का सफा, सफा कहते हैं वर्क होता है, ये सफा और ये सफा, उस सफा से ये मुसाफा लफ्ज बना है और हाथ के दो सफे हैं, एक ये सफा और एक ये सफा, तो हमारे हाथ का ये सफा सामने वाले के हाथ के सफे से मिला, ये मुसाफा हुआ, ये अरबी का बाब मुफाला हुआ, मुफाला में दो चीजें शरीक होती हैं, तो सफा सफे के साथ मिला मुसाफा हो, मगर ये हाथ का ये एक सफा हमारा और सामने वाले का सफा सफे से मिला, आधा मुसाफा हुआ, इधर कुछ नहीं मिला, उसके भी इधर कुछ नहीं मिला, और हाथ से हाथ मिला है और हमने दूसरा हाथ इसके यूं रखा और उसने दूसरा हाथ यहां रखा, तो हमारा एक हाथ के दोनों सफे मिल गए, उसके भी एक हाथ के दोनों सफे मिल गए, अब मुसाफा कामिल हुआ, अब मुसाफा कामिल हुआ, और अगर आप एक हाथ से मुसाफा करते हैं तो ये हाथ मुसाफा, सिर्फ ये सकूलियत मिला, उसका भी यही सकूलियत मिला, और जब दो हाथ से करेंगे तो वो हाथ करके हमने मैंने ये हाथ रखा उसके दोनों तरफ लग गया, उसने यहां हाथ रखा तो मेरे दोनों तरफ एक हाथ हो गया, लिहाजा ये कामिल मुसाफा है और एक हाथ से हाफ मुसाफा है। फिर मुआनका, मुआनका लफ्ज जो है अरबी में उनुक, उनुक गर्दन को कहते हैं, ये पूरी गर्दन उनुक कहलाती है, तो उनुक उनुक के साथ मिलाई जाए तो मुआनका, पूरी बात में मुफाला, इधर हमने मिलाई ये आधा मुआनका हुआ, फिर यहां से यूं मिला है तो ये पूरा मुआनका हो, एक तरफ गर्दन से गर्दन मिली हाफ मुआनका हो, दूसरी तरफ भी गर्दन से गर्दन मिल गई, अब ये कंप्लीट मुआनका हो, और बाद लोग तीसरी मरतबा भी मिलाते हैं ये कुंडल मुआनका हो। इस मुआने से भी क्या दुआ है, मुआने की कोई दुआ नहीं, वही जब शुरुआत हो रहा वाले तुम जो मुसाफिर की दुआ थी वही मुआने थे, क्योंकि मुसाफा और मुआने का अल्टरनेटिव है, लिहाजा अगर आपने मुआने का करना मुसाफा न कीजिए, मुआने का कीजिए, मुआने से के साथ भी यही दुआ है, यब शुरुआ हो रहा वाले तुम, दूसरा भी कहेगा यब शुरुआ हो रहा वाले तुम। इस मुआने से में एक आम गलत बात चली हुई है वो ये है कि बाई गर्दन हिलाते, देखो मैं बैठा हूँ दाई गर्दन दिए बाई गर्दन दिए तो मुआनका करेंगे तो मैं ये हिस्सा वो सामने वाले की बाई गर्दन के साथ मिलाऊंगा, इब्तिदा बाएं से होती, बाई गर्दन से मुआने की इब्तिदा होती है, ये एक रॉन्ग रिवाज है जो लोगों में चल पड़ा होगा, हदीस शरीफ में कायदा ये बयान किया गया है कि हर अच्छा काम दाएं से शुरू,
मेरी दाई ये है गर्दन, लिहाजा मेरा ये हिस्सा उसकी दाई गर्दन से मिलेगा। फिर वहां आपने छोड़ दिया तो आप मुआने पर, और अगर फिर इधर बाई भी मिला दिए तो ना पूरा मुआने पर। लेकिन पहले मिलाना है दाई गर्दन को, मगर ऐसा एक पूरी दुनिया में आम रिवाज ऐसा हो गया है कि बाई गर्दन से मुआने का होगा फिर उसी पर छोड़ देंगे या फिर दाई तरफ भी मिलाएंगे। जैसे सलाम में एक पूरी दुनिया में आम गलत रिवाज चल पड़ा हुआ है, कोई दुआ ही नहीं, न मुआने की कोई दुआ है, न मुसाफिर की कोई दुआ, जैसे ये गलत रिवाज चला हुआ है, ऐसा ये जो बाई तरफ से मुआने का शुरू करने का रिवाज है ये भी रॉन्ग है। जो गलतियां हैं उनको सही करना है, वो तो समझदारी की बात है, और अगर गलतियां हैं चलती रहे हैं तो जो किस दिन सही होंगी, तैयार किस बात को भी सही नहीं होंगी। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि सलाम को है ही मुसाफा या मुआने का करना है तो भी सलाम है, और मुसाफा और मुआने का नहीं करना तो भी सलाम। फिर सलाम और जवाब सलाम के बाद या तो मुसाफा कीजिए या उससे आगे मुआने का कीजिए, और दोनों की दुआ एक ही है, यग्फिर अल्लाह लना व लकुम, ये भी कहेगा वो भी कहेगा। देखो इंसान, ये तो मैंने हदीसों से भी आनी थी, इंसान की अकल भी ये कहती है कि सिर्फ जिस्म को जिस्म से मिलने से कोई मकसद नहीं हो, और अगर जिस्म के साथ मिलने से मकसद होगी तो चलते चलते कंधा टकराओ मकसद हो जानी चाहिए, नहीं कंधा जो लात मारो इसे भी मकसद होनी चाहिए, जिस्म से जिस्म तो मिल गए मेरे भाई, जिस्म के जिस्म से मिलने से मकसद नहीं होती, मकसद तो मांगने से होती है, अल्लाह से बख्शीश मांगने से। और ये जो मुसाफा है तो रमज है, रमज किस बात का है कि हम एक दूसरे से कलोर दे, हम एक दूसरे से अदावत नहीं रखते हैं, हम एक दूसरे से मिले हुए हैं और खुशी का इजहार हो, तो ये मुसाफहत एक रमज है। असल मकसद तो उस दुआ से हो। फिर आप ये कहेंगे कि फिर मुसलमानों में ये दुआ का रिवाज क्यों नहीं है, सब यूं ही चल क्यों रही है गाड़ी। उसकी वजह यह है कि मुसलमान दुआएं याद करते हैं मसनू दुआओं नाम की किताबें, छोटी छोटी किताब मसनू दुआएं वो लाते हैं, सारी छोटी दुआएं याद करते हैं, अपनी जिंदगियों में उन दुआओं को जारी करते हैं। मसनू दुआएं नाम से जो किताब छपी हुई उसमें ये दुआ नहीं, मुसाफिर की दुआ ही नहीं। दिल्ली से निजामुद्दीन से इशात दीनिया से जो मसनून दुआएं छपी हुई है उसमें ये मुसाफिर की दुआ ही नहीं। तो मुसलमान बेचारे वही मसनून दुआएं खरीद कर लाते हैं, याद करते हैं, उसी को अमल में लाते हैं, उसमें दुआ ही नहीं। और दिल्ली से जमात इस्लामी ने जो मसनून दुआएं छापी हैं उसमें मुसाफिर की ये दुआ है, मगर जमात इस्लामी की किताबें आम मुसलमान नहीं खरीदते। हालांकि जो दहली से जमात इस्लामी ने मसनून दुआएं छापी है उसमें ये दुआ है, और मजमूल जवाइद के हवाले के साथ दुआ उन्होंने लिखी है, मगर चूंकि उन किताबों का मुसलमानों में आम रिवाज नहीं है। आम रिवाज वो है जो इधर से तबलीग जमात से मतलब जिला मुस्लिम छपती है उसमें मुसाफिर की दुआ ही। अब वो मुसलमान ये समझते हैं कि मुसाफिर की कोई दुआ ही, इसलिए मेरे भाई ऐसा नहीं। फिर एक बार उनका सुनो, मुसाफा करेंगे गूंगा मुसाफा, न खुद कुछ बोलेंगे न क्या दुआ में याद रख कैश को सौदा कर दे रहा है, कोई दुआ दे और ले, न दुआ दे रहा न ले रहा, कैश तो सौदा नहीं है, उधार सौदा, दुआ में याद रख। कौन किसको याद रखता है कि आम दुआओं में, आम दुआ में तो आप कहें या ना कहें, आम दुआएं तो तमाम मुसलमानों के लिए की जाती है, आम दुआएं तो हर मोमिन तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए करता है, अल्लाह हम मफ़ी ले जाती इल्म मुमिनीन वल मुमिनात। लेकिन मुअय्यद तौर पर किसी शख्स को दुआ में कौन याद रखता है, इल्ला माशा अल्लाह,
कोई खास ताल्लुक हो अलग बात है, बात यह दुआ में याद रखना, दुआ में याद रखना उदास होना दुआ। और तजर्बा करके देखो मुसाफे के साथ दुआ दो यग़फिरुल्लाहु लना वलकुम, वो भी दुआ दे यग़फिरुल्लाहु लना वलकुम, तो ये नहीं कहना पड़ेगा कि दुआ में याद रखना, ये नहीं कहना और नहीं कहेगा, तजर्बा करके देखो दुआ में याद रखना वो भी कहता है जो कैद सौदा नहीं करता, वो ही कहता है दुआ में याद रखना, हाथ के हाथ दुआ दो और लो एक्सचेंज कर लो, फिर आगे दुआ में याद रखना कहना ही नहीं पड़ेगा, इससे बड़ी कोई दुआ ही नहीं हो सकती। अल्लाह मेरी बख्शिश करें, आपकी बख्शिश करें, और मोमिन को चाहिए क्या? आजकल लोग मुसाफिरों से बहुत घबराते हैं, मैं भी बहुत परेशान होता हूं मुसाफिरों से बहुत घबराते, क्यों आज घिसना, और आपने तो एक मरतबा घिसा, मेरा तो 100 मरतबा घिस गए। और अगर आप ये दुआ दें मुझे और मुझसे लें, खुदा की कसम सुबह से शाम तक यहां बैठा रहा हूं आपकी दुआएं लेने। हजारों आदमी मुझसे मुझे दुआ दें कि अल्लाह मेरी बख्शीश करें, आपकी बख्शीश करें, ये दुआ लेने के लिए तो मैं सुबह से शाम तक बैठा रहा हूं, मुसाफे करता रहा, मगर ये भी बोझ रहे मुसाफ में है, उसे बड़ी तरह घबराती है, हासिल कुछ नहीं, हाथ जीतना। एक और लंबी चौड़ी बात कहेगी, इससे ज्यादा क्या तफसील करूं, लिहाजा फिर उस दुआ को याद करो, और याद करके एक हफ्ते तक ख्याल रखकर दुआ करो, मुसाफिर के साथ जहरन दिल दिल में नहीं, जोर से करो, जैसा सलाम जोर से, ऐसा सामने वाला भी दुआ वही जोर से करेगा, ऐसा एक हफ्ते तक करो, फिर जुबान पर चढ़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी, और देख लिया वो दुआ निकलेगी। क्या दुआ की? यग़फिरुल्लाहु लना वलकुम। ये मैंने इसलिए कहा कि मैं चूंकि यहां मेहमान हूं, तो सब दोस्त अखबार मुसावा करते रहते हैं, और कोई दुआ देता ही नहीं, ऐसी करके तो बोझ होता है कि हम आज जिसते हैं हमारे साथ है, इसलिए आइंदा जो भी आए हमसे मुसावा करें, हमसे मैं भी दुआ दू, और आप भी हमें दुआ दें, आदत डालें मिश्र। दूसरी बात, कल मैंने ये बयान किया था, वही वही लफ्ज आप सुनते रहते, मगर माना बहुत कम लोग जानते हैं, वही तो गोल 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 तो मतलब सभी जानते हैं, सभी मुसलमान जानते हैं, वही डिटेल डिटेल के साथ मान तो मकून नहीं जानते थे, जैसा सोचते हैं मिजाज शरीफ, दोनों से पूछो कि मिजाज के क्या माने, और शरीफ लग जाए तो फिर वो क्या माना हो सकता, कोई नहीं जानता मिजाज के माना, कोई नहीं जानता मिजाज किस परिंदे का नाम है, क्या इसकी डेफिनेशन है मिजाज की, कोई नहीं जानता, बस गोल गोल जानते हैं, इस मालूम जानते हैं, और पूछते हैं, और सामने वाला जवाब भी देता है, कुछ समझता है भी जवाब देता है, लेकिन डिटेल से नहीं जानते। इसी तरीके से वही ये हर मुसलमान जानता है, लेकिन इजमालन जानता है, तस्वीर से भी जानता है, तो वही की क्या माना है, वही के माना है इशारा खफिया, इशारे के तो माना जानते हैं, खफिया के माने हैं चुपके से इशारा कर दिया, जिसे इशारा करने वाला और जिसको इशारा किया गया वो ही समझते हैं, बाकी चारों तरफ बैठे हुए थे उन्हें भी पता नहीं चला इशारा हो। लफ्ज वही के माने हैं इशारा खफिया, चुपके से इशारा, ऐसा चुपके से इशारा, इशारा करने वाले ने जाना और जिसे इशारा किया गया उसने जाना, तीसरे आदमी को पता नहीं, ये वही के लोग भी माना है। कुरान करीम में है وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، فما هي الشياطين شيطان، هي الشياطين अपने दोस्तों को अपने फ्रेंड्स को चुपके से इशारे करते हैं ताकि वो तुम्हारे साथ झगड़ा करें। وإن الشياطين ليوحون
لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. शयातीन के फ्रेंड कौन? ये कुफार, ये कुफार हैं, ये जो इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम को नहीं मानते, वो शयातीन के फ्रेंड हैं। शयातीन उन्हें चुपके से इशारा करते हैं और उनके इशारे पर वो तुम्हारे साथ झगड़ा खड़ा करते हैं। अब शयातीन ने इशारा किया इनको, वो इशारा करने वाले शयातीन और जिनको इशारा किया गया वो दो समझते, तीसरा कोई नहीं समझता। मुझे भी सबसे वही के माना समझ आने है, वही के माने इशारा करते हैं। अल्लाह जल्ला शानहू व अम्म नवालहू के तरफ से जो नबियों को इशारे पहुंचते हैं, इशारे होते हैं, उनको इस्तिलाह में वही कहते हैं। मुझे अल्लाह और अल्लाह ने जिस फरिश्ते को भेजा है वो और नबी ये जानते हैं। मजलिस में सहाबा के बीच में हुजूर तशरीफ फरमा होते थे और हुजूर पर वही नाजिल होती थी, हुजूर वही के आसार खत्म होते थे, सहाबा को वो वही पढ़कर सुनाते थे, बाकी जो मजलिस में बैठे हुए उन्हें कुछ नहीं पता है। तो वही के माने इशारा फजी या जो अल्लाह की तरफ से नबी को होता है और अल्लाह और नबी दो ही जानते हैं, ये वही है। ये जो अल्लाह की तरफ से वही आती है उसकी दो किस्में हैं, वही मतलू और गैर मतलू। वही मतलू कुरान शरीफ और मतलू उनके माने हैं वो वही जो तिलावत की गई है, यानी जिसके तिलावत करने का हुक्म है, ये कुरान करीम है सिर्फ। और ये वही तीन वजह से वही मतलू, ये तीन वजह समझो अच्छी तरह। एक तो इसलिए कि नमाज में ये वही पढ़नी जरूरी है, इस वही को पढ़े बगैर नमाज नहीं हो। फिर इमाम में इख्तिलाफ हुआ, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद रहिमहुल्लाह ये फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना हर रकात में पढ़ लो, सूरत मिलाना ये सुन्नत, मिलाओ तो भी ठीक है, मिलाओ तो भी ठीक। इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि फातिहा पढ़ना भी वाजिब है और उसके साथ कोई सूरत मिलाना भी वाजिब है। कुरान करीम पढ़े बगैर, इमाम के यहाँ फातिहा पढ़े बगैर, सूरत पढ़े बगैर नमाज हो जाएगी उनकी यहाँ, फातिहा पढ़े बगैर नहीं। इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा के यहाँ फातिहा और सूरत दोनों पढ़े बगैर नमाज नहीं होगी। नमाज में इस वही की तिलावत जरूरी है, आप हदीस है नमाज में पढ़े, हदीस के पढ़ने से नमाज नहीं होगी। कुरान भी पढ़ना जरूरी है और कुरान पढ़े बगैर नमाज नहीं होगी। इस एतबार से कुरान करीम को वही मतलू है। दूसरी वजह, मोमिन, हर मोमिन को ये हुक्म है कि 24 घंटे में कुरान करीम का कुछ न कुछ हिस्सा जरूर तिलावत हो, हाफिज हो जुबानी कर दे, हाफिज न हो नाजरा पढ़ करके कुरान शरीफ खोलकर पढ़े, कुरान करीम की कुछ न कुछ मिकदार तिलावत जरूर करनी चाहिए। और मेरे भाइयों, ये रमजान है, मुबारक है, ये मुबारक महीना है, इस महीने के रोजे और तरावियां मसनून और फर्ज इसीलिए की गई है कि इस महीने में कुरान नाजिल हुआ है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, क्योंकि इस महीने में कुरान नाजिल हुआ है इसलिए रोजे और तरावियां रखी, लिहाजा इस महीने में तो सबसे बेहतर इबादत कुरान करीम की तिलावत। भाई हमारे गाड़ी में कैसी थे, उन्होंने कैसी लगाया और कुरान सुन रहे, घर में टेप रिकॉर्ड है कैसी चढ़ाया और सुन रहे, ये बुराई कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सारा अच्छा काम यही नहीं है, सुनना ये दूसरे दर्जे का सवाब का काम है और खुद पढ़ने का जो असर अपने दिल पर पड़ता है और अपने माहौल पर पड़ता है वही और सुनने का असर मुरक्कब नहीं होता। लिहाजा कभी कभी सुनो को नर्ज,
लेकिन असल मतलब है खुद पढ़ना। ज्यादा मेरे भाइयों इस महीने में ज्यादा से ज्यादा कुरान करीम पढ़ो, अपने घर वालों को भी लगाओ, बच्चों को बीवी को सबको इस लाइन में लगाओ और कुरान करीम की तिलावतें इस महीने में होनी चाहिए। और इसी महीने में नहीं, मोमिन की जिंदगी के हर रात और हर दिन में तिलावत होनी चाहिए। तो कुरान की तिलावत हदीसों की तिलावत का उन्होंने नहीं, इसलिए वही मतलू है, वो वही जिसकी तिलावत की जाती है वही ये वही। और तीसरी वजह मैंने कल बताई वो ये है कि ये वही जो कुरान करीम की है उसमें नबी का कोई दखल नहीं। अल्लाह के यहां से जिब्राइल के जरिए से ये वही हुजूर को पहुंचती है, बे ही नहीं। ये जो कुरान करीम में अल्फाज है इन्हीं लफ्जों के साथ वही पहुंचती है। और अल्लाह का रसूल जिब्राइल से ये वही लेकर याद करके कोई बहुत याद हो जाती है, याद नहीं करनी पड़ती हुजूर को, सुनते हुए बहुत याद हो जाती है। और जब वही बंद हो जाती है, फरिश्ता चला जाता है, तो जो सहाबा मौजूद होते हैं उनको हुजूर वो वही पढ़कर सुनाते हैं और सही फॉर्म में उसे लिखवा देते हैं। तो उम्मत के सामने ये हुजूर तिलावत करते हैं। तो वह ये कुरान हुजूर का हमारे सामने तिलावत किया हुआ है, हमने अल्लाह से नहीं सुनाएगा, हमने हजरत जिब्राइल से एक कलाम नहीं सुना। फिर हमें अल्लाह का ये कलाम किसने सुनाया? अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ से पढ़कर हमें सुनाया है, हुजूर का कलाम नहीं। तो तीसरे माना मतलब उनके ये हैं। और मैंने कल बताया था कि हुजूर की नबी होने की हैसियत से जो चार जिम्मेदारियां हैं उन्हें सबसे पहली जिम्मेदारी ही यस्सु अलैहि माया थी। पैगंबर लोगों के सामने हमारे अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाते। यहां याद रखने की बात ये है कि नबी के इस कुरान में नबी के दो दखल हैं। मैंने जो कहा था कि नबी का कोई दखल नहीं, इसका मतलब ये कि इसके लफ्जों में कोई दखल नहीं। इस कुरान में जहां जहां आयते हैं उन आयतों में नबी का कोई दखल नहीं। वो आयतें हजरत जिब्राइल ने बताई है कि यहां आए थे, यहां आए थे, यहां आए थे। बाकी हुजूर के दो दखल, एक दखल है तबलीग का और एक दखल है तबयीन का। कुरान करीम में है या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िल इलैक, ऐ पैगंबर जो वही आपकी तरफ भेजी गई है इसको पहुंचाइए लोगों, सुनो ये वही पहुंचाइए। तो तबलीग का दखल है। और तबलीग पहुंचाना किसको है? हर इंसान तक पहुंचाना, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों तक ही पहुंचाना है, ये सही नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि गैर मुस्लिमों तक ही पहुंचाना है, नहीं ये बात सही है ना बात सही है। जो नहीं जानता उस तक पहुंचाना है, मुसलमान नहीं जानता उस तक दीन पहुंचाना, ये भी तबलीग। और जो गैर मुस्लिम दीन नहीं जानता उस तक पहुंचाना, ये भी तबलीग। हुजूर के जमाने में जब वही नाज़िल हुई थी मस्जिद नबवी में जो सहाबा होते थे उनको कुरान नया कुरान सुना दिया जाता था, वो हल्के बनते थे और वो याद करते, फिर यहां से उठते थे और सारे मदीना में ये नया कुरान सहाबा पहुंचाते थे। मदीना में हुजूर के जमाने में मस्जिद नबवी के अलावा 9 मस्जिदें और वो 9 मस्जिदें तो महलों में थी और मस्जिद नबवी तो शहर से बाहर एक तरफ साइड पर थी। तो ज्यादातर नमाजी तो उन महलों की मस्जिदों में है। अब ये जो नया कुरान नाजिल हुआ वो उन तक पहुंचाना है, इनको कौन पहुंचाएगा? ये जो हुजूर की मस्जिद में सहाबा थे और उन्होंने नमाज के बाद वही सुन करके हल्के बना करके याद करके निकले हैं, ये तमाम सहाबा तक पहुंचाएंगे। बुखारी में रिवायत है बल्लिगु अन्नी वलौ आयतन, मेरी तरफ से पहुंचाओ चाहे एक आयत भी याद हो पहुंचाओ।
अब जाहिर है कि ये आयतें किनको पहुंचाई जा रही है, मदीना के दूसरे मुसलमानों को पहुंचाई जा रही है, उसके लिए हुजूर फरमाया बल्लेगू तबलीग से। लिहाजा वो उन मुसलमानों तक जो दीन से ना वाकिफ हैं, बेखबर हैं, दीन की मोटी मोटी बातों से भी बेचारे नहीं जानते हैं, उस उन तक दीन पहुंचाना ये भी तबलीग। और वो अल्लाह के बंदे के जो सिरे से दीन इस्लाम ही को नहीं जानते हैं या नहीं मानते हैं, उनको बुलाना और दावत देना ये भी तबलीग। बाद लोग ये समझते हैं कि मुसलमानों ही को दीन पहुंचाना तबलीग है, ये गलत। बाद लोग ऐसा ख्याल करते हैं कि गैर मुस्लिमों ही को दीन पहुंचाना ये तबलीग है, ये भी गलत। तबलीग गलत तो आम है, जो भी दीन नहीं जानता उस तक दीन पहुंचा। फिर एक दूसरा लफ्ज है दावत, दावत, दावत के माने बुलाना, कॉलिंग। खुद वो ये सभी रब्बी का बुला तू तेरे परवरदिगार के रास्ते की तरफ, ये भी लगाम है। मुसलमान दीन से दूर हो गए हैं, उनको दीन की तरफ बोला दावत। जो अल्लाह के बंदे इस्लाम को मानते ही नहीं, उनको बुला, ये भी दावत। तबलीग भी आम लफ्ज है, दावत भी आम लफ्ज है, लेकिन फिर इसका इस्तेमाल जो है तबलीग मुसलमानों के दरमियान में काम करने के लिए तबलीग का लफ्ज बोला जाता है, और इस्लाम से जो बाहर है उनको दीन की तरफ बुलाने के लिए दावत का लफ्ज इस्तेमाल होता है। और कभी दावत का लफ्ज मिलाकर भी लफ्ज इस्तेमाल करते, तो बहरहाल ये लफ्ज की साफ है। तो इसी तरीके पर ये जो कुरान करीम है, जो हुजूर अल्लाह का जल्ला शानू अम्मा नवाजू की तरफ से आया है, उसे पहुंचाना है। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक, जो कुरान आपकी तरफ उतारा गया उसे पहुंचाइए। इसे पहुंचाना है मुसलमानों तक भी पहुंचाना है, गैर मुसलमानों गैर मुस्लिमों तक भी पहुंचाना है। इनको दीन की तालीम देनी है, उनको दीन की तरफ दावत देनी है, बुलाना है। तो नबी का काम कुरान में नबी का दखल तबलीग का दखल है। दूसरा दखल नबी का है तबयीन का, तबयीन के माने हैं एक्सप्लेनेशन, तफसीर, वजाहत, खोलना, कुरान करीम को खोलकर समझाना, ये नबी ही तो करेगा और कौन समझाएगा। चौदहवें पारे में अल्लाह पाक का इरशाद है, वअंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नास मा नुज़िला इलैहिम, और हमने आपकी तरफ कुरान उतारा है ताकि आप लोगों के लिए खोलें उस वही को जो लोगों की तरफ उतारी गई। ये कुरान हुजूर के लिए नहीं आया, ये तो पूरी इंसानियत के लाया है, और हुजूर के वास्ते से क्यों आया है, इसलिए हुजूर के वास्ते से आया है कि कुरान हुजूर समझाए उम्मत को। जैसे बारिश अल्लाह की एक रहमत है, डायरेक्ट आती है, कुरान डायरेक्ट क्यों नहीं आया, कुरान डायरेक्ट आएगा तो समझाएगा कौन। इसलिए कहा कि ये कुरान जो उतारा गया है वो लोगों की तरफ उतारा गया है, मगर आपके जरिए से इसलिए भेजा जा रहा है ताकि आप उनको खोलें और समझाएं। وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لِتُبَيِّنَ، یہاں سے میں نے لفظ لیا تبیین و تشریح و تفسیر، نبی کا دوسرا دخل ہے اس قرآن میں، قرآن کو سمجھانا، تبیین تشریح و تفسیر۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس وحی میں جو مطلوع وحی ہے اس میں نبی کا کوئی دخل نہیں، मगर दो दखल है तबलीग और तबीन में। तबलीग में कोई नई तीसरी चीज वजूद में नहीं आएगी, अल्लाह के नबी ने ये कुरान लोगों तक पहुंचाया, पहुंचाया तो नई चीज कोई वजूद में नहीं आई। अगर नई चीज वजूद में आई, एक नया एक आदमी ने इस्लाम कबूल किया, एक मुसलमान वजूद में आया, कोई नई बात वजूद में नहीं आई। लेकिन जब तबीन और तशरीह होगी, अल्लाह का नबी किसी आयत करीमा को समझाएगा, तो समझाने से एक चीज वजूद में आएगी, वो जो चीज वजूद में आएगी उसी का नाम हदीस शरीफ।
नबी की तबीन और तशरीह, नबी की तबीन और तशरीह ही का नाम हदीस शरीफ है, और ये जो चीज हदीस शरीफ वजूद में आई इसी का नाम है वही गैर मतलू। ये गैर मतलू, ये भी तीन वजह से गैर मतलू है। नमाज में नहीं पढ़ी जाएगी, नमाज में पढ़ोगे हदीस नमाज नहीं होगी। रोजाना सुबह उठकर तिलावत करना हदीसों का, इसका हुक्म भी नहीं है और उम्मत में मामूल भी नहीं। और ये जो हदीसें हैं ये नबी ने उम्मत के सामने तिलावतें नहीं की बल्कि नबी ने फरमाया है, अल्लाह के नबी ने ये इशादा फरमाए हैं कि देखो इसका ये मतलब है, देखो ये बात है, देखो ये बात है। फिर मैंने बताया था कि ये जो नबी तबीन और तशरीह करता है ये अपनी तरफ से नहीं करता, नबी जो कुरान की तबीन और तशरीह करता है वो अपनी तरफ से नहीं करता, वो भी अल्लाह की तरफ से करता है और वो भी वही होती है, वही भी इशारा खफिया होता है, लेकिन उसमें दो शक्लें होती हैं, कभी डिटेल के साथ मजमून आता है, अल्फाज नहीं आते। नबी उसको अल्फाज का जामा पहनाता है और बयान करता है तो वो हदीस कुदसी कहलाती है, और कभी इशारा खफिया आता है और उजूली और कुल्ली तौर पर आता है, उसको फैलाता भी नबी है और अल्फाज का जामा भी नबी पहनाता है और बयान करता है। दो शक्लें होती है, कभी डिटेल के साथ मजमून आता है, अल्फाज नहीं आते। नबी उसको अल्फाज का जामा पहनाता है और बयान करता है तो वो हदीस कुदसी कहलाती है, और कभी इशारा खफिया आता है और उजूली और कुल्ली तौर पर आता है, उसको फैलाता भी नबी है और अल्फाज का जामा भी नबी पहनाता है और बयान करता है, वो अहादीस नबविया होती है। जितनी हदीसें हैं चाहे अहादीस कुदसिया हो या अहादीस नबविया हो, ये सब भी वही है मगर ये वही की दूसरी किस्म है। बाकी पैगंबर अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। इसमें बात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दीन के ताल्लुक से जो कुछ इरशाद फरमाते हैं वो अपनी ख्वाहिश नफ्स से कोई बात इरशाद नहीं फरमाते हैं, वो हर बात जो दीन के ताल्लुक से हुजूर बयान करते हैं अल्लाह फरमाते हैं कि वो उनकी तरफ वही की गई। लिहाजा ये हादी शरीफा भी तो वही है मगर वही की दूसरी है। ये वो मजमून था जो कल बयान बाकी रह गया था उसे मैंने पूरा किया, और जो आयत करीमा मैंने अभी पढ़ी थी उसे कुछ समझाऊंगा। अब मेरा ख्याल है आप जरा थक गए होंगे और ज्यादा अंदाज में आ जाता है, पेट ठीक जाता है, इसे ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ये बात से बताओ आना चाहिए। اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله العالمين ہمارے خطاؤں کو معاف کر یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما اے میرے مولا ہمیں تیرے بھیجے ہوئے دین کا صحیح فہم عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس ماہ مبارک کو وصول کرنے کا حوصلہ عطا فرما اس کے خیرات و برکات سے ہمیں مالا مال فرما یا اللہ ہمارے گھروں کو انوار سے منور فرما یا اللہ ہمارے دلوں کو انوار سے منور فرما یا اللہ ہمارے اسلاف جو گزر چکے ہیں اور تمام مومنین اور مومنات جو گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت المعلیٰ میں ان کے مقامات عطا فرما یا اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر صراط مستقیم پر مضبوط فرما یا اللہ ہمیں ان کے بعد فتنوں میں مبتلا نہ فرما یا اللہ ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت